इस वक्त मैं लेक्सस के पवेलियन में हूँ। जापनीज ब्रांड है और आप जानते हैं कि जो इनकी जो गाड़ियाँ होती हैं वो मार्केट में मर्सिडीज को टक्कर देती हैं। और बात करते हैं 2023 के इस ऑटो एक्सपो की, तो यहाँ पर उन्होंने इंडिया में एक नई गाड़ी लॉन्च की, वो दिखाएंगे। लेकिन साथ ही साथ लेक्सस आने वाले वक्त के लिए क्या सोचता है और किस तरह की गाड़ियाँ वो अपने जो डिज़ाइन इनके सेंटर्स वहाँ तैयार कर रहा है उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। और आप देखेंगे तो वाकई में आप देखते रह जाएंगे। देखिए आपके सामने नजर आ रहा है मॉडल, आप देख रहे हैं LFZ है। तो एक कॉन्सेप्ट कार है, 2025 तक इसका आप कह सकते हैं कि फैक्ट्री में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसकी शुरुआत अगर हम फ्रंट से करते हैं, फ्रंट अगर आप देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है, एक फ्यूचरिस्टिक मॉडल है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर जो ये लाइंस जो आपको नजर आती है, जो लाइंस है जो आमतौर पर जो नॉर्मल गाड़ी होती है उसकी देती है, लेकिन जो ग्रिल्स होते हैं आपको आमतौर पर ये ग्रिल्स सिर्फ नजर नहीं आते। और देखिए यहाँ पर लाइट्स के लिए जो जगह दी गई है बिल्कुल अलग किस्म के। यहाँ पर एक मेन लाइट आपको देखिए LTM यहाँ पर नजर आ रही है आपको, लेक्सस ट्रीटमेंट इसमें दिया हुआ है। और साथ ही यहाँ पर जो ग्रिल्स आप देखिए, जो ग्रिल बनाया गया है ये पूरी तरह से जो कन्वेंशनल गाड़ी आपको नजर आती है वो बिल्कुल नहीं है। और इसके जो लाइट्स में भी आप देखेंगे जो डिज़ाइन आपको दिया गया है, इसमें आपको जो आजकल LED लाइट्स दिखती हैं तो LED लाइट्स लेकिन बहुत ही अलग हैं। एक बार टायर पर नज़र डालिए, जो टायर है और साथ ही साथ इसका जो अलॉय व्हील है ये भी आपको आपकी अट्रैक्शन का एक केंद्र है, मतलब कि अट्रैक्टिव है। और साथ ही साथ इसके ऊपर के जो बम्पर हम देखते हैं, कभी भी हम इस तरह के बम्पर्स हमको ज़्यादा नज़र नहीं आते, बम्पर उसके साइड में जो हम गार्ड्स देखते हैं जो इसको एक अलग ही लुक प्रेजेंट करता है। साइड मिरर है, देखिए साइड मिरर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, ये आपको ये सबसे बड़ी बात है। साइड मिरर वैसा नहीं है जो आप आमतौर पर देखते हैं, बहुत ही अलग है। अब ये क्योंकि कॉन्सेप्ट मॉडल है, अब किस तरह के ये साइड मिरर्स देते हैं इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। अब हम पीछे की तरफ आते हैं, जब बैक इसका देख लेते हैं, इस गाड़ी का जो बैक है वो आपको कहीं ना कहीं जो ये मॉडल है आपको आज के टाइम जो स्पोर्ट्स कार आप देखते हैं, फरारी देखते हैं या फिर लंबोर्गिनी देखते हैं, वैसे एक फील देता है। और साथ में जो ये लाइट है पीछे का, ये अपने आप में डिस्टिंक्ट है। जो टेल लाइट की जगह पे देखिए एक स्लीक पूरा का पूरा लाइन यहाँ से वहाँ तक जाता है और लेक्सस ब्रांड को ये पूरी तरह सामने रखता है। और उसके नीचे इलेक्ट्रीफाइड ये लिखा हुआ है। और ये जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो ग्रिलिंग की गई है, ये अपने आप में पीछे भी एक ऐसा लुक देता है कि आप सामने से गाड़ी देखना पसंद करेंगे, पीछे भी आपको गाड़ी पसंद आएगी। तो आपने देखा यहाँ पर LFZ, तो आपको ले चलते हैं थोड़ा सा और फ्यूचर में ले चलते हैं, तो LF30 ये एक और कॉन्सेप्ट कार है जिसको इस वक्त लेक्सस डिज़ाइन कर रहा है। देखिए इसको आप जब देखते हैं तो आपको देख के लगता है कि शायद किसी साईफाई मूवी से कोई कार ला के यहाँ पर उन्होंने डिस्प्ले कर दिया है, लेकिन जो आप साईफाई मूवीज़ में देखते हैं चीज़ें वो ऐसी कॉन्सेप्ट कार्स होती हैं जिनको डिज़ाइन किया जाता है और फिर इनको उतारा भी जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एरोडायनामिक्स, देखिए कि यहाँ से जब ये गाड़ी मूव करेगी तो जो हवा अगर अंदर जाती है तो गाड़ी का जो फ्रिक्शन होता है वो कम कर देता है और इनकी स्पीड ज़्यादा रहती है। और साथ ही देखिए कितनी स्लीक इसकी जो लाइट है, जो हेडलाइट्स हैं वो बिल्कुल स्लीक यहाँ पर दी गई हैं और LED लाइट्स हैं। और आप जो रिम्स देखेंगे और टायर देखिए कि वाकई में कमाल है, मतलब जो गाड़ी जो पसंद करते हैं उनके लिए तो शायद ये ऐसी कॉन्सेप्ट गाड़ी अगर मिल जाए और ये गाड़ी अगर सचमुच सड़क पर दौड़ने लगे तो आप सोचिए कि आप ड्राइविंग तो इंजॉय करेंगे। और साथ ही होता नहीं है कि एक टशन जो होता है गाड़ी चलाने वालों का, तो इस गाड़ी का मतलब इंतजार करना होगा। कॉन्सेप्ट कार है, उसको वक्त लगेगा पूरी तरह से डेवलप होने में। अब पीछे आपको दिखाते हैं LF30 LX, यहाँ पर आप देख रहे हैं डिस्प्ले है और जो इसकी टेल लाइट से देखिए ऊपर से लाके नीचे ऐसे कर्व्स आ रहा है। तो ये जो डिज़ाइन है साफ ये बताता है कि फ्यूचर में हम किस तरह की गाड़ियाँ दिखने जा रहे हैं। और अंदर आप देखिए बैठने के लिए जो कन्वेंशनल सीट नहीं है, सीट्स बिल्कुल अलग हो चुके हैं। वहाँ पर ड्राइविंग असिस्टेंट, देखिए ये जो आप कार देख रहे हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी, ये जो गाड़ी है ये सेल्फ ड्राइविंग मोड पे भी चलेगी। ज़्यादातर जो गाड़ियाँ इस वक्त कॉन्सेप्ट में तैयार हो रही हैं ऐसी गाड़ियाँ, उसमें सेल्फ ड्राइविंग मोड को टेस्ट किया जा रहा है जिसमें कि आप बैठेंगे जैसे कि ऑटो पायलट होता है, आप ऑटो पे छोड़ दीजिए गाड़ी अपने हिसाब से आपको लेकर चली जाएगी। यहाँ पर बैठने के लिए 4 लोगों के लिए जगह है और कम्फर्ट का ध्यान रखा गया है। और जो कन्वेंशनल आप सीट्स देखते हैं वो बिल्कुल नहीं है, पूरी तरह से उसको बदला गया है। तो कुल मिलाकर ये जो अभी आप कार देख रहे हैं ये आने वाले वक्त में किस तरह की गाड़ियाँ आपको सड़क पर नजर आने वाली है वही यहाँ पर लेक्सस ने वो सामने रखा है। और साथ ही साथ लेक्सस ये चाहता है कि बताएं दुनिया को कि वो काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, क्योंकि ये जो सारे आप गाड़ी देख रहे हैं कॉन्सेप्ट कार्स पेट्रोल डीजल पर नहीं है, ना ही किसी कन्वेंशनल फ्यूल पर है, ये इलेक्ट्रिक पर काम कर रहे हैं। और डोर देखिए, दरवाज़ा ऐसा नहीं कि नॉर्मल दरवाज़ा से खुलता है, दरवाज़ा जो खुल रहा है ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि दरवाज़ा हवा में खुल जाता है और जिससे कि जो एंट्री होगी आप इंतजार नहीं कर रहे, दो लोग अगर जा रहे हैं तो एक साथ दोनों अंदर बैठिए इसको ऊपर करके, यानी कि जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ऊपर करके। तो कुल मिलाकर ये जो कुछ कॉन्सेप्ट्स
कार्स यहाँ पर रखे गए हैं लेक्सस की ओर से, ये दुनिया को बताने के लिए कि लेक्सस इस वक्त जो फ्यूचरिस्टिक कार पे किस तरह से काम कर रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।